हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं ESIC के जो एग्जाम पैटर्न पे अपन बात करने वाले हैं। आज अपन ये ESI जो एग्जाम लेता है स्टाफ नर्स का, नर्सिंग ऑफिसर्स का, उसके अंदर जो है वो किस तरीके का सिलेबस आता है और क्या क्या जो है एग्जाम से रिलेटेड बातें जो आपको ध्यान रखनी है, तो इन सभी चीज़ों पे अपन बात करने वाले हैं आज के जो चैनल, आज के जो वीडियो है सेशन के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का मोड क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन का मोड क्या रहने वाला है। अगर मैं मोड की बात करता हूँ, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये कम्प्लीटली क्या रहने वाला है आपका, ऑनलाइन रहने वाला है। यानी कि ये कैसा होगा आपका, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ मार्क्स की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कितना, टोटल 25, यानी कि 125 क्या रहने वाला है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी अगर अपन आगे जाके दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, कि एक तो आपका क्या होगा 100 क्वेश्चन, 100 जो MCQ होंगे वो तो किस पे आएंगे, आपके सब्जेक्ट यानी कि आपके नर्सिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं। किससे रिलेटेड रहने वाले हैं, नर्सिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 25 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं आपके जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड आपका GK, जनरल नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे डिवाइड रहेगा, कि आपके जो 100 क्वेश्चन तो होंगे वो तो कहाँ से आएंगे, आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे। एंड 25 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड GK के यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पे हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना रहने वाला है आपका, 125 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जाम रहने वाला है। कितना, 125। ईच जो क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन सही होता है उसके लिए आपको टोटल 1 मार्क्स मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग, तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी आपकी आपकी रहेगी 0.25 मार्क्स, या फिर मैं बात करूँ 1/4 आपकी यहाँ पे क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे टोटल आपको कितने, 2 आवर्स मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं, टोटल 2 आवर्स का यहाँ पे आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, टाइप ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, तो टोटल MCQs आएंगे आपके। टाइप ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे आपका जो टाइप एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है कैसा रहना है, MCQ पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज की, पेपर की क्या लैंग्वेज रहने वाली है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं अपन लैंग्वेज पे। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपकी लैंग्वेज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हिंदी में बाई चांस कोई मिस्टेक रहती है, तो वहाँ पे करेक्ट क्या माना जाएगा आपका, इंग्लिश वाला जो टाइप है वो सही माना जाएगा। तो आपको प्रेफर किसको रखना है, आपके इंग्लिश वाले को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है, अप्लाई वही इंसान कर सकता है जिसने क्या किया हो, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन हो क्या, जिसने GNM किया हो, या फिर मैं बात करूँ उसने BSc किया हो। ठीक है, GNM या BSc बोथ जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको नहीं रहने वाली है। क्लियर है सारी चीजें, तो ये तो सारी चीजें थी आपके किससे रिलेटेड, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि काफी दिनों से आपकी जो ESI की जो वैकेंसीज हैं वो नहीं आई हैं। ठीक है, ESI ने काफी दिनों से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है, लेकिन अभी रिसेंटली किसी ने RTI डाली थी। ठीक है, RTI, ठीक है, उस RTI के थ्रू पता चला है कि लगभग कितनी, लगभग 1700 पोस्ट जो है वो क्या है यहाँ पे वैकेंट है। कितनी, लगभग 1700 पोस्ट क्या है, वैकेंट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट
इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिसेंट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लगभग 1700 पोस्ट यहाँ पे क्या है, वैकेंट है, यानी कि यहाँ पे बहुत जल्दी क्या आने वाली है आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी को जो है, अब जैसे कि आप सभी को पता है नोरसेट, यहाँ पे अभी नोरसेट 22 जो है वो हो चुका है, इसका एग्जाम भी यहाँ पे डिक्लेयर एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जो लोग जिन कैंडिडेट्स का नोरसेट 2022 में नहीं हुआ है वो लोग निराश बिल्कुल नहीं हुए, ठीक है, ऐसा ना सोचें कि अब तो नोरसेट ही आएगा, लेकिन इसी बीच में आपका जो ईएसआई है वो हो सकता है बहुत जल्दी ही क्या करवा दे, एग्जाम कंडक्ट करवा दे, ईएसआई बहुत जल्दी ही क्या कर ले, रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दे फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पर अपन एक बार फिर से बात कर लेते हैं, अगर देखी जाए तो कि टोटल मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, ऑनलाइन रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं 125, ठीक है, 100 एमसीक्यूज होंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड एंड 25 होंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, जनरल साइंस एंड जीके से, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसके बाद में अपन एक बार देख लेते हैं कि किस ईएसआईसी में, किस ईएसआईसी सेंटर पे कितनी वैकेंसी जो है वो वैकेंट है, कितनी पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है, यानी कि हम बताएंगे कि टोटल सेंक्शन पोस्ट कितनी है, टोटल वैकेंट पोस्ट कितनी है, टोटल फील्ड पोस्ट कितनी है, इन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ एक जो प्लस पॉइंट यहाँ पे रहता है वो क्या क्या रहता है कि जीएनएम एंड बीएससी बोथ क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नीडेड नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस की नीड यहाँ पे नहीं है, फ्रेशर्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है सारी सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट अपन बात करने वाले थे कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी, कितनी पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है। सबसे अपन बात करते हैं, देखिए रीजन, रीजन की बात करते हैं कि कौन से रीजन में है, ठीक है, रीजन के अपन बाद में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल का नेम। नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे एसएनओ की पोस्ट वहाँ पे कितनी है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितनी है एंड रिमार्क। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन से रीजन की, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल चंडीगढ़ है, यहाँ पे जो टोटल एसएनओ की जो सेंक्शन पोस्ट है वो कितनी है 18 है, ठीक है, इन पोजिशन अभी जो फील्ड है वो कितनी है 12 है, यानी कि 12 में से वो सॉरी 18 में से 12 पोस्ट पे ही क्या है वहाँ पे एसएनओ प्रेजेंट है, यानी कि टोटल पोस्ट अगर वैकेंट की बात की जाए तो यहाँ पे कितनी 16 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। सेम एज अगर अपन बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो चंडीगढ़ के अंदर टोटल 41 सीट क्या है सेंक्शन है और ओनली 39 ही वहाँ पे क्या है नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, यानी कि दो पोस्ट है आपकी कहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर अभी वैकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपन बात करेंगे जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट ईयर भी जयपुर राजस्थान की जो है पोस्ट नहीं आई थी, ठीक है, उनको ये बोला गया था कि जो भी पोस्ट है जयपुर राजस्थान की वो किससे भरी जाएंगी, अभी ट्रांसफर पॉलिसी से भरी जाएंगी। ईएसआईसी जयपुर की अगर बात करता हूँ तो एसएनओ के लिए टोटल सेंक्शन पोस्ट कितनी है 38, 38 में से वहां पे भी एसएनओ प्रेजेंट कितने हैं 50, यानी कि वहां पे कोई भी एसएनओ की पोस्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, 12 ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए तो नर्सिंग ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे टोटल कितनी है आपकी सेंक्शन पोस्ट कितनी है 90 है ना, और इनमें से इन पोजीशन कितनी है ओनली 57, यानी कि आपकी जयपुर ईएसआईसी के अंदर कितनी 33 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। ईएसआईसी भिवाड़ी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एसएनओ की 16 पोस्ट है, ठीक है, 16 में से ओनली 6 पोस्ट यहाँ पे क्या है फील्ड अप है और 10 पोस्ट है यहाँ पे क्या है वैकेंट है। सेम एज अगर नर्सिंग ऑफिसर्स की मैं बात करता हूँ तो ईएसआईसी भिवाड़ी, ईएसआईसी भिवाड़ी की अगर बात करता हूँ तो टोटल कितनी 32 है, इन पोजीशन कितनी है 34 है और यहाँ पे भी कोई वैकेंसी अभी अवेलेबल नहीं है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर, अलवर की अगर बात करता हूँ अभी रिसेंटली यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एसएनओ की पोस्ट है वो टोटल कितनी है 69 और ओनली कितने एसएनओ वहाँ पे प्रेजेंट है 12 एसएनओ वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि 57 एसएनओ की पोस्ट वहाँ पे क्या है वैकेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की तो 160 पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, आउट ऑफ 160 ओनली 26 नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, यानी कि 134 पोस्ट वहाँ पे अवेलेबल है अलवर में, ठीक है, अलवर के अंदर कितने पोस्ट अवेलेबल है आपकी टोटल 134। ईएसआईसी हॉस्पिटल उदयपुर, उदयपुर की अगर बात करता हूँ तो एसएनओ के लिए कोई पोस्ट नहीं है वहाँ पे, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वहाँ पे 15 पोस्ट है, आउट ऑफ 15 ओनली 2 पोस्ट वहाँ पे क्या है फील्ड अप है, यानी कि 13 पोस्ट वहाँ पे क्या है वैकेंट है, कितनी पोस्ट है 13 पोस्ट। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कोलकाता रीजन की, कोलकाता रीजन के अंदर ईएसआईसी हॉस्पिटल जोका, ठीक है, यहाँ पे 96 एसएनओ की पोस्ट क्या है अवेलेबल है, ओनली 63 क्या है फील्ड अप है,
33 वैकेंट है यहाँ पे SNO की पोस्ट, ठीक है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ कि आपके कोलकाता रीजन के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो कितनी है, 222 यानी कि, एंड जो फील्ड अप है वो कितनी है, 130। तो यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट है कितनी है, 92। ASIC उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ रुद्रपुर, इसके अंदर 19 SNO की वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी SNO प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 19 तो SNO की पोस्ट वैकेंट रही। एंड मैं बात करता हूँ 43 जो है यहाँ पे सेक्शन पोस्ट है किसके लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, और यहाँ पे जो फील्ड अप है वो कितनी, ओनली 3 पोस्ट फील्ड है। तो टोटल 40 पोस्ट जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है किसकी, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। इंदौर MP की मैं बात करता हूँ तो ESIC मॉडल हॉस्पिटल इंदौर के अंदर 46 SNO की पोस्ट है, 40 पोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड अप है, 6 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर्स की अगर बात करता हूँ, 112 पोस्ट है आउट ऑफ 112, यहाँ पे कितने, 109 पोस्ट है वो क्या है, फील्ड अप है, यानी कि यहाँ पे 3 पोस्ट अभी भी क्या है, वैकेंट है। चेन्नई तमिलनाडु की अगर बात करता हूँ, 127 SNO की सेंक्शन पोस्ट है, 92 SNO प्रेजेंट है, 35 SNO की पोस्ट अभी वैकेंट है कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो 313 पोस्ट टोटल है वहाँ पे, आउट ऑफ 313 यहाँ पे कितने, 176 पोस्ट क्या है, फील्ड अप है, और 137 अभी भी वहाँ पे क्या है, वैकेंट पोस्ट है। दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो 465 SNO की पोस्ट यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। आउट ऑफ 465 358 क्या है यहाँ पे अभी इन पोजीशन है, और 107 पोस्ट अभी भी यहाँ पे क्या है, वैकेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, तो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 1095 पोस्ट यहाँ पे क्या है, सेंक्शन है। आउट ऑफ 1095 693 पोस्ट क्या है यहाँ पे अभी फील्ड अप है, और कितनी, 402 पोस्ट यानी कि 402 पोस्ट अभी क्या है यहाँ पे, वैकेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जम्मू, जम्मू की अगर मैं बात करता हूँ तो 14 पोस्ट यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, 14 पोस्ट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अभी तक क्या नहीं है, जो यहाँ के जो नर्सिंग ऑफिसर्स थे इनको कहीं और पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, कहीं और इन्होंने पोस्ट कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, SNO एक भी प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी, 14 की 14, कोई भी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ टोटल नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो 29 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और 22 जो पोस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, और 7 पोस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है। पंजाब की बात करते हैं, मॉडल हॉस्पिटल जो लुधियाना के अंदर है, 50 पोस्ट है SNO की, 46 में से फील्ड अप है, तो 4 पोस्ट है अपने लुधियाना के अंदर जो है वैकेंट है किसके लिए, SNO पोस्ट के लिए। इसी तरीके से 118 नर्सिंग ऑफिसर की सेंक्शन पोस्ट है, 118 में से ओनली 96 नर्सिंग ऑफिसर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि 22 जो नर्सिंग ऑफिसर्स है वहाँ पे अभी तक वैकेंट पोस्ट है। कानपुर यूपी की बात करते हैं तो 71 SNO की पोस्ट है, 71 में से ओनली 4 पोस्ट पे क्या है वहाँ पे SNO प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि 67 पोस्ट वहाँ पे भी क्या है, वैकेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ 188 वहाँ पे किसकी है, NO नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर्स के 188 पोस्ट में से 142 अभी नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि टोटल वैकेंट सीट कितनी है वहाँ पे भी, 46 पोस्ट वहाँ पे क्या है, वैकेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेंगलुरु कर्नाटका की, तो 165 SNO पोस्ट है, 165 में से 161 जो है वो फील्ड अप है, 4 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर्स की अगर बात करता हूँ तो 530 जो है नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है, 530 में से 355 वहाँ पे ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, 175 नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट वहाँ पे भी वैकेंट चल रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करता हूँ ESIC मॉडल अंधेरी के अंदर, तो 53 SNO की पोस्ट है, 53 में से 52 SNO वहाँ पे प्रेजेंट है, एक पोस्ट वहाँ पे अभी क्या है, वैकेंट है। इसी तरीके से अगर बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, तो 122 पोस्ट वहाँ पे सेंक्शन है, उनमें से 66 पोस्ट पे अभी नर्सिंग ऑफिसर्स प्रेजेंट है, 56 पोस्ट वहाँ पे भी क्या है आपकी, वैकेंट है। ESIC हॉस्पिटल कोल्हापुर की अगर बात करता हूँ तो 10 पोस्ट है, 10 में से 9 पे अभी SNO प्रेजेंट है, एक पोस्ट वहाँ पे भी वैकेंट है। 30 जो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, 30 में से 22 पे नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, अभी वहाँ पे कितनी, 8 पोस्ट अभी भी वैकेंट है। ESIC हॉस्पिटल पुणे की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे 29 जो है SNO की पोस्ट है, आउट ऑफ 29 ओनली 12 नर्सिंग SNO वहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि टोटल कितनी, 17 पोस्ट वहाँ पे वैकेंट रहने वाली है। 59 जो है वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की सेंक्शन पोस्ट है, उनमें से 35 पे अभी प्रेजेंट है, और 24 यहाँ पे भी वैकेंट सीट है। क्लियर है। चलिए ये DCBO क्या है, एक ESIC से ही संलग्न कोई हॉस्पिटल है, इसके अंदर जो है एक SNO उन्होंने बना रखा है, इस वजह से SNO के वहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। 28 क्या है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, उनमें से 13 पोस्ट पे अभी नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे भी अभी कितनी, 15 पोस्ट वैकेंट है फॉर नर्सिंग ऑफिसर।
बीडी हिमाचल प्रदेश की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे 29 में से 29 SNO प्रेजेंट है, तो यहाँ पे SNO की कोई भी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। 59 यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, में से 48 पे अभी नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है। टोटल 11 जो पोस्ट है वो यहाँ पे अभी वैकेंट है। नेक्स्ट देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ की अगर बात करता हूँ, ASIC हॉस्पिटल रायपुर एंड कोरबा की, तो यहाँ पे 38 SNO की सेंक्शन पोस्ट है, आउट ऑफ 38 एक भी वहाँ पे SNO प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे कितने टोटल 38 अभी SNO की पोस्ट क्या है वैकेंट है। ठीक है 86 यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट रहने वाली है, जिनमें से 12 पे अभी नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, यानी कि 74 पोस्ट यहाँ पे क्या है वैकेंट है। बात करते हैं हैदराबाद की, तो ASIC MCH शांत नगर की बात करें तो 108 पोस्ट वहाँ पे किसके लिए SNO की सेंक्शन पोस्ट है, उनमें से 83 अभी SNO प्रेजेंट है, 25 वहाँ पे वैकेंट पोस्ट है। 254 NO की वहाँ पे क्या है सेंक्शन पोस्ट है, आउट ऑफ 254 79 नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे पोस्टेड है, यानी कि 175 जो नर्सिंग ऑफिसर है वहाँ पे अभी पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है। ASIC शांत नगर की अगर बात करता हूँ SSH, इसके अंदर 70 क्या है आपका SNO के सेंक्शन पोस्ट है, आउट ऑफ 70 43 वहाँ पे पोस्टेड है, 27 पोस्ट यहाँ पे भी अभी वैकेंट है। 185 यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है, उनमें से 36 पे नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, यानी कि 149 आपकी वहाँ पे भी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए अभी पोस्ट क्या है वैकेंट है। भुवनेश्वर उड़ीसा की बात करते हैं, ASIC हॉस्पिटल अंगुल की, तो यहाँ पे 29 SNO की पोस्ट है, उनमें से एक भी फिल्ड अप नहीं है, यानी कि टोटल कितनी 29 की 29 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। इसी तरीके से अगर बात करता हूँ 59 सेंक्शन पोस्ट आपके नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 3 ही नर्सिंग ऑफिसर अभी पोस्टेड है, तो टोटल 56 पोस्ट वहाँ पे भी क्या है आपकी वैकेंट है। ESIC मॉडल हॉस्पिटल राउरकेला की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे 8 में से 8 आपके SNO की पोस्ट क्या है फिल्ड अप है, इनकी SNO की वहाँ पे कोई वैकेंसी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं तो 27 क्या है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पे ऑलरेडी 31 जो नर्सिंग ऑफिसर वो वर्क कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी कोई नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तेरासुर ASIC मॉडल हॉस्पिटल आश्रमन, ठीक है, तो यहाँ पे 41 जो है आपके कितने हैं 41 पोस्ट है किसके लिए SNO के लिए, 40 ऑलरेडी पोस्टेड है, तो एक पोस्ट है यहाँ पे आपकी SNO की। ठीक है इसी तरीके से मैं बात करता हूँ कि सेंक्शन पोस्ट है आपकी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कितनी 86, वहाँ पे कितने अभी 107 नर्सिंग ऑफिसर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई भी पोस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है नेक्स्ट अगर बात करते हैं ASIC एजुकॉन में, एजुकॉन में अगर बात करता हूँ तो 24 आपका क्या है यहाँ पे SNO की सेंक्शन पोस्ट है, उनमें से 21 पे नर्सिंग SNO प्रेजेंट है, 3 पोस्ट है यहाँ पे SNO की वैकेंट रहने वाली है। इसी तरीके से नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 50 पोस्ट है, 50 में से अभी 66 पे क्या है वहाँ पे 66 नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे भी कोई आपकी पोस्ट वैकेंट नहीं है। इसी तरीके से ESIC मॉडल उद्योग मंडल, उद्योग मंडल की अगर मैं बात करता हूँ तो 29 क्या है यहाँ पे टोटल सेंक्शन पोस्ट है, इनमें से 30 जो है 13 पे क्या है SNO प्रेजेंट है, तो यहाँ पे SNO की वैकेंसीज वैकेंट है कितनी 16। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ 59 क्या है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट सेंक्शन है, आउट ऑफ 59 यहाँ पे 84 क्या है नर्सिंग ऑफिसर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कोई पोस्ट वैकेंट नहीं है। देखा जाए तो केरला के अंदर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट वैकेंट नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी कितने 21 25 एंड 16 जो लगभग कितने 50 प्लस जो है नर्सिंग ऑफिसर्स, 50 नहीं लगभग 60 नर्सिंग ऑफिसर्स ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। क्लियर है चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन गुजरात पे, अहमदाबाद गुजरात में अगर बात करता हूँ तो 40 MHB में 48 सेंक्शन पोस्ट है, 37 SNO प्रेजेंट है, तो टोटल 11 पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है। इसी तरीके से MHB में जब बात करें अपन टोटल MHB गुजरात के अंदर, तो 113 क्या है वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट है, उनमें से 111 पे क्या है नर्सिंग ऑफिसर्स प्रेजेंट है, यानी कि वहाँ पे टोटल अवेलेबल पोस्ट कितनी है अभी 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नारोडा, नारोडा की बात करें तो 29 वहाँ पे SNO की पोस्ट सेंक्शन है, उनमें से 10 पे अभी SNO प्रेजेंट है, तो टोटल 19 पोस्ट वहाँ पे भी वैकेंट रहने वाली है। इसी तरीके से अगर बात करते हैं 59 क्या है यहाँ पे NO की पोस्ट वैकेंट है, इनमें से 19 पोस्ट पे अभी NO वहाँ पे प्रेजेंट है, तो टोटल कितना 40 पोस्ट है वहाँ पे भी अभी वैकेंट है। अलंकेश्वर की अगर मैं बात करता हूँ, अलंकेश्वर गुजरात के अंदर है, ASIC अलंकेश्वर की अगर बात करें तो 29 SNO की पोस्ट वहाँ पे सेंक्शन है, उनमें से 6 पे अभी SNO प्रेजेंट है, तो टोटल 23 SNO की पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है। इसी तरीके से NO की अगर बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो 59 सेंक्शन पोस्ट है, 31 पे अभी प्रेजेंट है, 28 यहाँ पे भी क्या है अभी वैकेंट पोस्ट है। वापी की अगर मैं बात करता हूँ, ASIC वापी के अंदर 29 सेक्शन पोस्ट है SNO के लिए, 5 पोस्ट पे भी वहाँ पे SNO प्रेजेंट है, तो टोटल 24 यहाँ पे भी
वैकेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, 59 NO की पोस्ट यहाँ पे क्या है, सेंक्शन है, इनमें से 34 क्या है, फिल्ड अप है, तो टोटल 25 यहाँ पे भी वैकेंट है अभी। SMC की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी SNO की पोस्ट अवेलेबल नहीं है, ना कोई अभी नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट अवेलेबल है। DCPO की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है 3, उनमें से एक नर्सिंग ऑफिसर प्रेजेंट है, तो 2 पोस्ट यहाँ पे भी अभी वैकेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करता हूँ टोटल पोस्ट SNO की, अगर सेंक्शन पोस्ट की बात करें, SNO की सेंक्शन पोस्ट की अगर बात करूँ तो कितनी है, 1810। 1810 में से कितना, 1240 SNO अभी क्या है वहाँ पे पोस्टेड है। अगर बात करता हूँ तो लगभग कितना, 570, कितना 570 SNO की पोस्ट अभी वैकेंट है। वैकेंट SNO की पोस्ट कितनी हो गई, 570 पोस्ट, यानी कि लगभग 570 को अपन माने तो लगभग 600 पोस्ट आपका किसके लिए, SNO की पोस्ट के लिए अभी अवेलेबल है। इसी तरीके से हम बात करूँ नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, तो नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो 4416, 4416 पोस्ट सेंक्शन है किसमें, ESIC में नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल कितने हैं, ओनली 2719, 2719 पोस्ट ही अभी वहाँ पे फिल्ड अप है। तो टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी, 1671 पोस्ट अभी भी वहाँ पे क्या है, वैकेंट है। 1671 में भी जो ओवर पोस्टेड है उनमें का अगर माइनस करते हैं तो टोटल कितना, 1697 पोस्ट, यानी कि लगभग 1700 पोस्ट अभी भी किसके लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए अवेलेबल है। टोटल वैकेंट अगर पोस्ट बात करें नर्सिंग ऑफिसर एंड SNO की, ठीक है, तो टोटल लगभग कितना हो गया आपका, 570 प्लस 1697, ठीक है, तो ये अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 2267 जो पोस्ट है वो आपकी वैकेंट है किसके अंदर, ESIC के अंदर, नर्सिंग कैडर की। तो नर्सिंग कैडर की लगभग कितनी, 2267 पोस्ट। मैं बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स की तो लगभग 1700 पोस्ट, और अगर मैं बात करता हूँ SNO की तो लगभग 570 पोस्ट वहाँ पे अभी वैकेंट है। तो होपफुली अभी ESIC फेडरेशन जो है, नर्सिंग फेडरेशन, उन्होंने क्या लिखा है, उनको लेटर लिखा है, तो होपफुली वो बहुत जल्द रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करें, नोटिफिकेशन वगैरह जारी करें। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करनी है, ठीक है, और अच्छे ढंग से कंटिन्यू करनी है। जिन लोगों का नोरसेट में हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिन लोगों का नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली है। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो आपको हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक एंड फॉलो करना। थैंक यू सो मच।